बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी इमली की चाट लेकर आई हूँ, चना चाट, जिसे आप 5 मिनट में रेडी कर सकते हैं। अगर आपकी ये चीज़ें तैयार हों तो आप इसे बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया, यहाँ मैंने थोड़े से चने ले लिए थे जिसे मैंने उबाल लिया, नमक डालकर वो ऐड कर दें। बहुत ही मज़े की ये चाट बनती है और बहुत ही इसे बनाना आसान है। ये 2 आलू थे छोटे साइज़ के जिसे मैंने बड़ी कटिंग करके ये नमक डाल के उबाल लिया है, और ये 1 टमाटर है, 1 हरी मिर्च। बहुत ही मज़े की ये चाट बनती है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डलेंगी। और इसके अलावा ये थोड़े से प्याज हैं, प्याज आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जितने आपको अच्छे लगें। वो बाउल छोटा था, मैंने बाउल के चेंज कर लिया है। तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, अब हमने इनको थोड़ा सा मिक्स करना है। बहुत ही मज़े की ये चाट बनती है, और रमज़ान मुबारक में कुछ हल्का फुल्का खाने को दिल करता है, फ्राई चीज़ों से मैदा भी ख़राब हो जाता है और वो अच्छी भी नहीं लगती है, हैवी हो जाता है। अच्छे तरीके से चीज़ों को मिक्स कर दें। अब हमने इसके अंदर डालनी है खट्टी मीठी इमली, ये इमली है। इस इमली की रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, ये खट्टी मीठी इमली है, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत ही मज़े की ये चटनी बनती है, ये मैंने बना के पहले ही रखी हुई थी। अब हमने क्या करना है, इसको इसके अंदर मिक्स करना है, और इसके साथ ही हम इसके अंदर कर देंगे 1/2 टीस्पून थोड़ा सा चाट मसाला। इसके अंदर कोई हमने कुटी हुई पिसी हुई लाल मिर्च नहीं ऐड करनी, कुछ भी नहीं ऐड करना, और नमक जो है वो भी नहीं ऐड करना, क्योंकि चनों में भी हमने नमक डाला था और आलू में भी बॉईल करते वक्त हमने इसके अंदर नमक डाला था। बहुत ही मज़े की ये चाट बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें लुक वाइज भी कितनी अच्छी मज़े की लग रही है, और इसमें कोई हमने एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले। ये देखें अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है, ये देखिए बहुत ही मज़े की चाट बनी है। मैं अब आपको इसको एक अलहदा बाउल में इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने फ़ाइनल एक बाउल में निकाल दिया, माशाल्लाह बहुत ही मज़े की चाट लग रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा सिखाया है तो प्लीज़ इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके फैमिली मेम्बर या आपके दोस्त भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।